तुम हत्या करवाओगे। तुम्हारे साथ हुआ था तो फूट फूट के रो रहे थे। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का की हत्याएं हुई यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में। गोरखपुर वालों को कत्लेआम कर देंगे। गोरखपुर वाले चूड़ियां पहन के हाथ में बैठे हैं क्या? योगी जी के ऊपर थूक रही है जनता। आने वाले लोकसभा चुनाव में कितने लोग की हत्या करवाई जाएगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और कहां गई योगी की लाइन ऑर्डर? उनको मिट्टी में कब मिलाओगे? मोहन भागवत को क्या हो गया? मदरसे अब मस्जिद का चक्कर काट रहे थे। पुलवामा की और 20,000 करोड़ की सच्चाई सामने ना आवे। दरअसल पुलवामा में जो अटैक हुआ था, माननीय सतपाल मलिक भाजपाई नेता ने जो बयान दिया था उसके बचाव के चक्कर में उत्तर प्रदेश का प्री प्लानिंग अतीक अहमद का कांड हुआ है। इसको करवाया गया है, इसमें पूरी सरकार इन्वॉल्व है, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व हैं और वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन जो इनकी काली कमाई थी, जो 20,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया था अतीक अहमद ने, वो पैसा कहाँ कहाँ लगा था, उससे किसको फायदा होने वाला था, ये जांच का विषय है। और आपके चैनल के मार्फत मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अनुरोध करता हूँ कि इस बात का पर्दाफाश होना चाहिए और देश के माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ये आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। किसी भी जो विपक्षी नेताओं का इस तरह से ये स्थिति में पहुंचाया जा सकता है। जब पुलवामा अटैक सैनिकों की हत्या के नाम पर देश का प्रधानमंत्री वोट मांग सकता है तो इस देश में कोई भी पुलवामा जैसी घटना, अतीक अहमद जैसी घटना या गोधरा जैसा कांड कराया जा सकता है, अंजाम दिलवाया जा सकता है। अतीक अहमद संत था क्या? मैं संत की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात बताइए, मैंने तो वो दिन देखा है, आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के दल के तमाम नेता ओ सी आर बिल्डिंग में चरण छुआ करते थे कि भाई जान का आशीर्वाद मिल गया है। नंदी राज हरिचंद की औलाद हैं क्या? अतीक ही अपराधी है उत्तर प्रदेश में, और अपराधी नहीं है। आप अपराधी मानते हैं नहीं मानते? मैं मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद भी थे। क्या पार्लियामेंट संसद चलेगी तो अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उसे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार उन्हें सांसद जनप्रतिनिधि मानेगी या नहीं मानेगी? बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आप। मैं पूछ रहा हूँ उन्हें श्रद्धांजलि, लोकसभा स्पीकर जिन्होंने पंडित राहुल गांधी की सदस्यता को जो है निरस्त किया था, वो लोग इनको श्रद्धांजलि देंगे या नहीं देंगे? आपको क्या लगता? मुझे तो ये लग रहा कि नहीं देना चाहिए, लेकिन ये लोग नौटंकी करेंगे। काहे मोहन भागवत को क्या हो गया? मदरसे अब मस्जिद का चक्कर काट रहे थे। कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, वो कौन से बड़े अपराधी थे भैया योगी जी बता मैं? कानपुर में 2 ब्राह्मणों की एक माँ और बेटी जिनकी हत्या इनके अधिकारियों ने करवा दिया था, उसको आप क्या कहेंगे? ये पूरा जो कुकर्म किया गया है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे पूरा काम इसीलिए कि पुलवामा की और 20,000 करोड़ की सच्चाई सामने ना आवे। अरे माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है यूपी में। अच्छा ही बताइए, बृजेश सिंह, धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह और तमाम अपराधी जो सुनील सिंह और कौन कौन सिंह हैं, त्रिभुवन सिंह वगैरह, ये वहाँ से हिमालय से तपस्या करके आए हैं, राजा हरिचंद की छठियाँ औलाद हैं, सत्यवादी हैं क्या? अतीक अहमद अपराधी था, चले उसका अंत हो गया। अब न्याय कोर्ट के बगैर ही मिलेगा ऐसी सड़कों पर? तो न्याय उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका को
और भारत देश की न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए, वकीलों को कह देना चाहिए घर पे आराम करो, क्या जरूरत है, कोई डिस्कशन नहीं होगा। इसका मतलब जो है तालिबान के रूप में तब्दील कर दिया गया भाजपा सरकार में। क्या वो फिदायिनी हमलावर तैयार कर रही है आरएसएस और बीजेपी कि किसी भी गरीब गुरबे के बच्चे को माइंड ब्लास्ट करके और उनके शरीर में बम बांध करके किसी भी नेता के पास भेज दिया। राष्ट्रवादी पार्टी है, फेमस होना चाहते थे इसलिए उन्होंने किया था। अच्छा, फेमस होना चाहते थे, वाह। जिसके घर में खाने को नहीं है उसके पास 10 लाख की बंदूक कहाँ से आई, पिस्टल कहाँ से आई, वो कौन था? क्या भाजपा सरकार दी है क्या? भाजपा के लोगों ने दिया होगा, भाजपा के रिजन मारा गया तो ब्लेम किसके ऊपर लगेगा? अनुमान लगा रहे हैं। अरे भाई तमाम लोग तो यही कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा कि पुलवामा की सच्चाई और गौतम अडानी से ध्यान भटकाने के लिए अति की हत्या करवाई गई है। योगी जी की बाबा हो रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कितने लोग की हत्या करवाई जाएगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। योगी जी की बाबा हो रही है, योगी जी की बाबा, योगी जी के ऊपर थूक रही है जनता, बेरोजगारी बट रही है, खुशियां मनाई जा रही है। अरे वही मिठाई बांट रहे होंगे जो महात्मा गांधी की हत्या पर हिजड़ों की तरफ से डांस कर रहे थे, समझ रहे? शब्दों की मर्यादा में रहे। आप बताइए कि दोनों हाथ पे हथकड़ी लगी, पुलिस सुरक्षा में कोई व्यक्ति सुरक्षित है? अभी उन्नाव की घटना भी एक आध दिन की उन्नाव है, अगल बगल कहीं का एक बच्ची, नाबालिग बच्ची प्रेग्नेंट कर दी गई थी और गुंडों ने सरेआम उस बच्चे दुधमुहे बच्चे को जला दिया। और कहां गई योगी की काला इनाडर, उनको मिट्टी में कब मिलाओगे? बलिया में एक छात्र नेता यादव की हत्या कर दी गई चौकी के पास लाठी डंडों से पीट करके, उसमें क्या हुआ? देश की जनता बेरोजगारी पे बात ना करे, किसानों की समस्या पे बात ना करे, तुम हत्या करवाओगे? तुम्हारे साथ हुआ था तो फुट फुट कर रो रहे थे। अरे योगी जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए। गुंडों की भाषा, मवालियों की भाषा, मवालियों की तरह से काम करोगे क्या? हिंदुस्तान को तालिबान बनाने का ये घिनौना कुकृत भाजपा आरएसएस वाले तैयार कर रहे हैं? नहीं, आप भाजपा आरएसएस वाले फिदायिनी है मलावार तैयार कर रहे हैं, गरीब गांव के बच्चों को ला करके कसाब जैसे व्यक्ति बना करके तमाम आतंकवादी घटनाओं में लिप्त करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो रहा है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो रहा है, दंगा मुक्त हो रहा है। इलाहाबाद में क्या हुआ? भाजपा सरकार जो दंगे फैलाती है, नहीं 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 नहीं, आप बताइए कि यहाँ पर बिहार में दंगा फैलाया वो कौन लोग थे? भगवा बस पहन करके जय श्री राम कह करके, जय श्री राम गुंडे मवालियों की भाषा है। जय श्री राम कहने वाले आतंकवादी नहीं होते हैं तो और क्या होते हैं? बताइए बताइए, आप बड़ा बयान दे रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं जय श्री राम वालों को, जोड़ रहे हैं जय श्री राम के नारे को, देश के हित में जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम का नारा देश हित में लगाते हैं लोग। अच्छा, तो जय श्री राम का नारा लगा के बलात्कार होगा, हत्याएं होंगी, ये देश हित में है ना? अरे आपका नंबर तो नहीं, अरे वो सब मुँह से निकल रहा, जो बोलता रहता अभी वही निकलता मुँह से। अच्छा, तो आप भी कहीं बलात्कार करो जाकर के जय श्री राम का नारा देखे। आप जय श्री राम नहीं बोलते? हाँ, मैं तो सीताराम बोलता हूँ, मैं गुंडों मवालियों की भाषा नहीं बोलता हूँ। ब्राह्मण क्यों विरोध करते हैं? आपका भी इनकाउंटर, ब्राह्मण सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का की हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में। क्या हो, भाजपाई ब्राह्मण हो या कांग्रेसी ब्राह्मण हो या सपाई ब्राह्मण हो या बसपाई ब्राह्मण हो, मारा गया। अरे सुनो, हम फौजी आदमी हैं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। सबके नाम आ रहे हैं, आपके 40 साल आपके फेस पे लिखा हुआ है कि आप भाई अगर दंगा नहीं कर सकते। विपक्ष के जितने नेता हैं, मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया अगर उत्तर प्रदेश जाएं या भाजपा शासित राज्यों में जाएं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखें, नहीं तो भाजपा आरएसएस फिदायिनी हमलावरों को भेज करके आप लोगों की भी हत्या करवा सकती है। तो पुलिस मुझसे जो ठाए बोलती थी AK-47 ली थी तभी कुछ नहीं कर पाई। आप बताइए, इतने बहादुर होते तो बिकरू में से
जो वो डूबे था उसको भाग करके मध्य प्रदेश नहीं जाना पड़ता। अभी उनके गृह मंत्री इसमें पूरी की पूरी साजिश है। तमाम मीडिया चैनल गोदी मीडिया को छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी विश्व की मीडिया भारत की कानून व्यवस्था और लोकतंत्र पर थूक दिया। चतुर्वेदी जी योगी जी से इतने खपा क्यों हैं? मैं योगी जी से नहीं खपा हूँ, उनके कुकर्मों से खपा हूँ। आप भी गोरखपुर से आते हैं तो क्या करना, पूरे गोरखपुर वालों की हत्या करवा देंगे? आप चेतावनी दे रहे? मैं ये कह रहा हूँ गोरखपुर वालों को कत्लेआम कर देंगे। गोरखपुर वाले चूड़ियां पहन के हाथ में बैठे हैं क्या? आप उनके खिलाफ नहीं बोलिए, नहीं तो आपका एनकाउंटर हो जाएगा। अच्छा करा में तो करा दें क्यों नहीं कराते? कल फोर्स हटा दें मुख्यमंत्री जी, काहे अपनी सुरक्षा बढ़ा लिए? ये जो डिक्टेटर जितने होते हैं वो डरते हैं, भयभीत होते हैं। इनको अपने आप यही रोए थे पार्लियामेंट में, अब फिर रोएंगे भविष्य में। लेकिन जनता तो कह रही कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए। आ तो आप जाइए ना, फोटो लेकर के उनके ऊपर माला वाला चढ़ा करके पूजा कीजिए। किसने रोका है आपको? तमाम और लोगों का बलात्कार हो ही रहा है। आपकी क्या मांग है अतीक अहमद के एनकाउंटर से? भाई इसकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चाहिए कि अपनी निगरानी में स्वतंत्र रूप से भाजपाई प्रदेश के किसी भी पुलिस अधिकारी को इन्वॉल्व न किया जाए। दूसरे स्टेट सदस्य कमेटी जो बनाई गई, इस पर क्या भरोसा नहीं है आपको? कौन सा उत्तर प्रदेश की? उस पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के पुलिस में अब विश्वास नहीं रहा। किस पे भरोसा है फिर आपको? किस पे भरोसा करते हैं? अशरफ के पास जो एक खत मिला था, खत में कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारियों के नाम है, कैसे देख रहे हैं? तो अशरफ के पास खत किसको मिला है? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है चीफ जस्टिस, वो तो नाम का खुलासा होगा। हाँ होगा, हाँ पक्का होगा।